Meera ka romance. Vivan ko mila chance. Meera ka dalli tamasha. Bahurani par bhootiya saaya. किसकी चढ़ेगी बलि? कहां मचेगी खलबली? भाई आज है मीरा और सुमेर की संगीत सेरेमनी, जहां आज मीरा मस्त मौला होकर लगा रही हैं ठुमके और बन गई हैं जुगनी नखरे वाली. और मीरा की ये जुगनी ठुमके देखकर विवान को भी आ गया जोश और बन गए वो मीरा के डांसिंग पार्टनर. हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे सारे. और आज इनके इस जश्न में खास मेहमान बनकर आए हैं आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी, जिन्होंने दिखाया अपने डांस का जलवा. भाई इन दोनों का ये मस्त मौला डांस तो देख लिया, अब देखिए हमारी अलबेली मीरा का ये भूतिया नच. की कर रही है मीरा? भाई इनके इस टल्ली तमाशे के पीछे एक ट्विस्ट भरी कहानी छुपी है. असल में सन्नेडा जोगन ने लगा दिया है मीरा को नशे का इंजेक्शन, ताकि उनके तमाशे देखकर घर वालों को यकीन हो जाए कि मीरा नॉर्मल नहीं है, किसी भूतिये साए का कब्जा है. लेकिन कहानी तो इन लोगों ने बना दी. सन्नेडा जोगन मीरा की बलि देकर अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है, और मीरा को ये सारा षड्यंत्र अब धीरे धीरे पता चलने लगा है. इसीलिए मीरा ने बनाया है एक मास्टर प्लान, खुद को उस तांत्रिक के हाथों किडनैप करवा कर, ताकि सबके सामने उस तांत्रिक की सच्चाई आ सके और आगे किसी दुल्हन की बलि न चढ़े. और विवान को जैसे ही ये सब पता चलता है वो परेशान होकर मीरा को तलाशने पहुंचते हैं. और जरा देखिए विवान की कोशिशें कामयाब हुई, मीरा को तांत्रिक के जंगल से तो बचा ही लिया, साथ ही साथ असली गुनहगार को उनके सही ठिकाने पर भी भिजवा दिया. मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी. जो मरे हुए लोगों के लिए जिंदा लोगों की जान लेती है
उसका क्या होना चाहिए तुम्हें भी पता चल ही जाएगा। पुलिस, ये तो था मीरा और तांत्रिक का सियापा। अब एक बार फिर मीरा का चांस पर डांस देखिए। विवान बाथरूम से जब बाहर निकले तो सामने खड़ी मीरा को देखकर उनके होश उड़ गए और इसी बीच हीरो का फिसला पैर और विवान आ गिरे मीरा की बाहों में। फिर क्या था, देखने को मिले इन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट। भाई गुनेगार तो गया सलाखों के पीछे, पर इनका चांस पर रोमांस तो बदस्तूर जारी है। अब देखते हैं सुमेर से मीरा की शादी से पहले क्या विवान के साथ उनके प्यार का शगुन हमें देखने को मिलेगा या फिर अभी और करना पड़ेगा हमें इंतजार। आज तक ब्यूरो।